पूरे देश में 17वीं लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ है और 7 चरणों में चुनाव आयोग चुनाव करवा रही है और यह चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा हो रही है। वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां ईवीएम से चुनाव कराने पर विरोध व प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां सत्ता पक्ष को ईवीएम से चुनाव पर कोई एतराज नहीं है, वहीं विपक्षी पार्टियां कह रही है कि इसमें पारदर्शिता की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी कड़ी में बहुजन क्रांति मोर्चा ने 30 अप्रैल को इसी मुद्दे पर धरना प्रदर्शन किया एवं जेल भरो आंदोलन चलाया। मोर्चा के अध्यक्ष आलोक यादव ने कहा कि ईवीएम से चुनाव होना कहीं से पारदर्शिता नहीं दिखाई देता है। चुनाव आयोग एवं सरकार की मिलीभगत से ईवीएम में घालमेल की जा रही है। आलोक यादव ने कहा कि वोटों की गिनती ईवीएम एवं वीवीपैट से मिलान कर होना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में बहुजन क्रांति मोर्चा के नेतृत्व में भारत के सभी प्रमंडलीय मुख्यालय में ईवीएम के विरोध में, ईवीएम से जो वोट की चोरी हो रही है, वोट लोग कहीं डालते हैं, गिरता कहीं है और 100% पेपर ट्रेल तो लगा है लेकिन पेपर ट्रेल की गिनती नहीं हो रही। अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये कहा गया है कि जब तक पेपर ट्रेल 100% काउंटिंग नहीं होगा, मशीन की गिनती और पेपर जो पर्ची निकला है उसकी गिनती का मिलान नहीं होगा, तब तक ये चुनाव फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं समझा जाएगा। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रही है। 21 दल 22 दल के लोग, राजनीतिक पार्टी के लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में दायर किए हैं मुकदमा। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब, जो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्हीं के द्वारा दायर मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया उसी पर डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन ये सरकार और इलेक्शन कमीशन दोनों मिल के इस देश में वोट का घोटाला कर रही है, उसी के विरोध के लिए आज पूरे भारतवर्ष में हम लोग आज जेल भरो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और ये तब तक चालू रहेगा ये आंदोलन जब तक 100% रिकाउंटिंग पेपर ट्रेल और मशीन के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम के द्वारा जो वोट गिरा है उसका मिलान नहीं होता है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।